हेलो एवरीवन मैं डॉक्टर निधि पूनिया लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट आर सी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर आज जो वॉट इज अ डेफिनेशन ऑफ स्टेशन स्टेशन और स्टेशन एंड इज अ रेलवे फैसिलिटी वेन्स रेगुलरली स्टॉप टू लोड और अनलोड पैसेंजर्स एंड गुड्स क्या पर्पस होते हैं रेलवे स्टेशन के द फॉलोइंग आर दर्पजेज ऑफ रेलवे स्टेशन फॉर एक्सचेंज ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स फॉर कंट्रोल ऑफ ट्रेन मूवमेंट्स टू इनेबल द ट्रेन ऑन अ सिंगल लाइन ट्रैक टू क्रॉस फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन टू इनेबल द फॉलोइंग एक्सप्रेस ट्रेन टू ओवरटेक फॉर टेकिंग डीजल और कोल एंड वाटर फॉर लोकोमोटिव फॉर डिटैचिंग इंजन एंड रनिंग स्टाफ फॉर डिटैचिंग और अटैचिंग ऑफ कंपार्टमेंट्स एंड वेगन्स For sorting the bogies to form new trains, housing of locomotives in loco sheds, in emergencies in case of dislocation of track due to rains, accidents, etc., for repairing engines and for changing their directions, railway stations are having suitable approach from roads, from surrounding areas. Types of station. Now, different type of stations are wayside stations, junction stations, and terminal stations. सबसे पहले आता है वे साइड स्टेशन इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट आर मेड फॉर क्रॉसिंग और फॉर ओवरटेकिंग ऑफ ट्रेन वे साइड स्टेशन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स हॉल स्टेशन फ्लैग स्टेशन एंड क्रॉसिंग स्टेशन हॉल स्टेशन हॉल स्टेशन इज अ स्मॉल स्टेशन यूजुअली अनस्टाफ्ड एंड विथ नो और फ्यूज फैसिलिटीज In some cases, trains stop only on request when passengers on the platform indicate that they wish to board, or passengers on the train inform the crew that they wish to alight. a call station hai. Flag stations. Flag station describes a stopping point at which trains stop only as on as need or request basis. That is, only if there are passengers to be picked up or dropped off. These stations have no overtaking or crossing facilities and arrangement to control the movement or of trains. These stations have buildings, staff, and telegraph facilities. Some of the flag stations have sidings also in the form of loop. आपका फ्लैग स्टेशन है क्रॉसिंग प्रोवाइडेड फैसिलिटी ऑफ क्रॉसिंग इन दिस टाइप एटलीस्ट वन लूप लाइन इज प्रोवाइडेड टू अलाउ अनादर ट्रेन इफ वन ट्रैक इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय अ वेटिंग ट्रेन जनरली द ट्रेन टू बी स्टॉप इज टेकन ऑन द लूप लाइन एंड थ्रू मेन ट्रेन एंड ट्रेन इज अलाउड टू पास ऑन द मेन ट्रेन मेन लाइन ये आप देख सकते हैं ये आपकी लूप लाइन है और ये आपकी मेन लाइन है ये क्रॉसिंग के टाइम पे जब एक मेन फास्ट ट्रेन को क्रॉस करना होता है स्लो मूविंग ट्रेन को वहां पे ये क्रॉसिंग स्टेशन काम आते हैं जंक्शन स्टेशन एट जंक्शन स्टेशन लाइन फ्रॉम थ्री और मोर डायरेक्शन मीट

ये आपका जंक्शन स्टेशन है टर्मिनल स्टेशन इट इज अ स्टेशन वेर अ रेलवे लाइन और टर्मिनेट्स। फैसिलिटीज रिक्वायर्ड इन टर्मिनल स्टेशन आर वाटरिंग कूलिंग क्लीनिंग सर्विसिंग द इंजन, टर्न टेबल फॉर चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इंजन। फैसिलिटीज फॉर डीलिंग गुड्स ट्रैफिक सच एज मार्शलिंग यार्ड इंजन शेड साइडिंग एक्सेट्रा इन सर्क्यूलेटिंग एरिया टिकेट ऑफिस रेस्टोरेंट एक्सेट्रा प्रोवाइडेड एंड इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रोड ये आपकी टर्मिनल स्टेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैर ऑपरेशन पहला जिसमें आता है ब्लॉक स्टेशन क्लास ए बी एंड सी नॉन ब्लॉक क्लास डी स्टेशन स्पेशल क्लास स्टेश एंड एज ब्लॉक अथॉरिटीज टू प्रोसीड इज गिवेन इन द शेप ऑफ टोकन एट दी स्टेशन दी स्टेश ट्रैक इज क्लियर अप टू फोर हंड्रेड मीटर्स बियॉन्ड द होम सिग्नल फॉर गिविंग परमिशन टू अप्रोच अ ट्रेन क्लास बी स्टेशन वो होते हैं जहां पे अदर सिग्नल इज प्रोवाइडेड एट अबाउट फाइव मीटर्स फ्रॉम द होम सिग्नल एंड क्लास सी स्टेशन दीज इज सिंपली अ ब्लॉक मेंट फॉर स्प्लिटिंग अ लॉन्ग ब्लॉक सेक्शन एंड टू रिड्यूस द इंटरवेल बिटवीन सक्सेसिव ट्रेन नॉन ब्लॉक स्टेशन और क्लास डी सेक्शन और फ्लैग स्टेशन It is situated between two consecutive block sections. They may not be telegraphically connected to the adjacent stations. No equipment or staff is provided for controlling the movements of the train. Trains are stopped by flag signals only. Special class stations. Stations not coming under block station and non block stations are called as special class stations. Platforms. पैसेंजर एंड गुड्स प्लेटफॉर्म हम सबको पता है प्लेटफॉर्म क्या होता है इट इज अक्शन ऑफ द पाथवे अलॉन्ग साइड अ रेल ट्रैक एट अ रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन और अ ट्रैम स्टॉप एट विच पैसेंजर्स में बोर्ड और अलाइट फ्रॉम ट्रेन और ट्राम्स जहां पे पैसेंजर्स चढ़ सकते हैं ट्रेन में उतर सकते हैं वो आपका पाथवे रेलवे प्लेटफॉर्म कहलाता है ऑलमोस्ट ऑल रेल स्टेशन हैविंग मल्टीपल प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म टाइप्स इंक्लूड्स बे प्लेटफॉर्म साइड प्लेटफॉर्म स्प्लिट प्लेटफॉर्म एंड आइलैंड प्लेटफॉर्म अ ब्ले प्लेटफॉर्म इज वन the track terminates. ट्रैक टर्मिनेट्स दैट इज end एंड the siding. मतलब जो आपकी रेलवे लाइन है वो वहां पर आगे जाके फिनिश हो जाती है डेड एंड आ जाता है वो आपका बे प्लेटफॉर्म कहलाता है साइड प्लेटफॉर्म इज मोर usual टाइप alongside tracks ट्रैक्स के जो दे रखा होता है वेदर ट्रेन arrives फ्रॉम वन एंड एंड लीव towards the अदर आइलैंड प्लेटफॉर्म हैज थ्रू प्लेटफॉर्म ऑन बोथ साइड्स इट मे इंडेन्टेड ऑन वन ऑफ मोथ बोथ साइड विद बे प्लेटफॉर्म्स ये आपका पैसेंजर प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये आपका गुड्स प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सामान की लोडिंग अनलोडिंग करते हैं अब आता है यार्ड्स

रुकती है वहां पे उनकी बोगीज की सारी सॉर्टिंग वगैरह होती है रिसीव किया जाता है डिस्पैच होते हैं वहां से इंजिन जॉइन किए जाते हैं वो आपका यार्ड कहलाता है अब डिफरेंट टाइप ऑफ यार्ड्स हो सकते हैं लाइक पैसेंजर यार्ड्स गुड्स यार्ड्स मार्शलिंग यार्ड्स एंड लोकोमोटिव यार्ड्स पैसेंजर यार्ड्स फंक्शन ऑफ पैसेंजर यार्ड्स इज टू प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज फॉर द सेफ मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स यहाँ पे बुकिंग ऑफिसेस होते हैं इंक्वायरी ऑफिस लगेज बुकिंग रूम्स क्लॉक रूम एंड वेटिंग रूम फॉर पैसेंजर्स यहाँ पे पार्किंग स्पेस भी होता है सिग्नल्स फॉर रिसेप्शन एंड डिस्पैच ऑफ ट्रेन प्लेटफॉर्म्स एंड साइडिंग्स फॉर शंटिंग फैसिलिटीज फैसिलिटीज फॉर चेंजिंग बैटरीज फैसिलिटीज फॉर पासिंग अ थ्रू ट्रेन वॉशिंग लाइन्स एंड सिक लाइन्स फैसिलिटीज भी होती है इसमें यह आपका पैसेंजर यार्ड हो गया है गुड यार्ड्स अ गुड स्टेशन ऑल्सो नोन एज गुड यार्ड्स गुड डिपो और फ्राइट ए स्टेशन इज द रेलवे स्टेशन विच इज एक्सक्लूसिवली और पे गुड्स की या सामान की लोडिंग अनलोडिंग होती है फ्रॉम शिप्स और रोड व्हीकल्स और जहाँ पे गुड्स वैगन आर ट्रांसफर टू लोकल साइडिंग दे आर प्रोवाइडेड फॉर रिसीविंग लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स यहां पर गुड्स का मतलब है सामान ये देख सकते हैं आप जो मालगाड़ी होती है अपनी वो वहां पे सारा जो सामान लोडिंग अनलोडिंग होता है वो गुड्स यार्ड यार कहलाता है अब क्या रिक्वायरमेंट है गुड्स यार्ड की अप्रोच रोड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स सफिशियंट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग सफिशियंट नंबर ऑफ गोदाउन बुकिंग ऑफिस कार्ट वेइंग मशीन क्रेन्स फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड वैक्यूम टेस्टिंग मशीन मार्शलिंग यार्ड्स A marshalling yard is a railroad yard found at some freight train stations used to separate the railroad cars onto one of several tracks it is a place where goods wagon received from different centers are sorted out and placed in order to detach the different stations the marshalling yards are distribution centers empty wagons are also kept in marshalling yards marshalling yards basically वहाँ एक वो जगह जहां पे ट्रेन और अदर लोड्स रिसीव किए जाते हैं सॉर्टिंग की जाती है उनकी और नई ट्रेन फॉर्म की जाती हैं एंड दे आर डिस्पैच ऑनवर्ड्स टू डेस्टिनेशंस। यह आपका मार्शलिंग यार्ड है फैक्टर्स फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ मार्शलिंग यार्ड्स। शंटिंग ऑपरेशन शुड नॉट डिस्टर्ब द रेगुलर ट्रेन्स it should be kept parallel to the running trains movement of wagons in one direction only repair facility should be provided on one or more sidings it should be connected to all important railway stations goods yard should be nearer to the marshalling yard types of marshalling yards teen type k yards ho sakte hai marshalling yards flat yards gravity yard or hump yard flat yards are constructed on flat ground or on a gentle slope फ्राइट व्हीकल्स या फिर जो सामान के व्हीकल्स होते हैं दे आर पुस्ट बाय दोकोमोटिव एंड कोस टू द रिक्वायर्ड लोकेशन फ्लैट यार्ड में कोई हम्प या कोई uh, एक हिल्प टाइप का नहीं होता है एंड दे रिलाईज ऑन लोकोमोटिव फॉर ऑल कार मूवमेंट ग्रेविटी यार्ड ग्रेविटी यार्ड में कंटिन्यूअस फॉलोइंग ग्रेडियंट एंड देर इज नो यूज ऑफ शंटिंग इंजिन टिपिकल लोकेशन ऑफ ग्रेविटी आर ग्रेविटीज वेर इट वॉज डिफिकल्ट टू बिल्ड अ हम्प यार्ड ड्यू टू द टोपोग्राफी ग्रेविटी टोप्राफी ग्रविटी वेरी लार्ज कैपेसिटी बट दे नीड मोस्ट स्टाफ देन यार्ड थस दे हमार्स अन इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिकली ग्रेविटी यार्ड में जो ट्रैक्स होते हैं वो इस तरीके से बिछाए जाते हैं जिससे कि जो ट्रेन है जो वैगन्स हैं वो अपने वेट की या एक्शन ऑफ ग्रेविटी के उस कारण ही मूव कर सके Hump yard. These are the largest and the most effective classification of yards with the largest shunting capacity, often several thousand cars a day. The heart of these yards is the hump, a dead lead trail on a hill that as an engine pushes the car over. Single cars or some coupled cars are in a block, are uncoupled just before or at the crest of the hump and are rolled by gravity onto their destination tracks. A hump yard has a construction hill over which the freight cars are showed by yard locomotives, and then gravity is used to propel the cars to various sorting tracks. Locomotive yards This is the yard which houses the locomotives for various facilities such as watering, fueling, cleaning, repairing, and servicing. ये आपका लोकोमोटिव यार्ड आता है जहां पे आपके एशपेड स्टर्न टेबल ये सारी चीजें होती हैं जो ट्रेन को एक साफ करने के लिए ट्रेन के लिए जो भी चीजें इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो आपके लोकोमोटिव यार्ड्स के अंदर होते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ लोकोमोटिव यार्ड इट शुड बी लोकेटेड नियर पैसेंजर एंड गुड्स यार्ड इट शुड हैव अ वाटर कॉलम it should have engine shed ash pit inspection pit repair shed and turntable it, has the, it should have a hydraulic jack for lifting operation it should have an overhead tank and loco well it should have a six siding and it should have a place for future expansion level crossing लेवल क्रॉसिंग इज बेसिकली एन इंटरसेक्शन वेर अ रेलवे लाइन क्रॉसेज अ रोड और अ पाथ एट द सेम लेवल अदर नेम्स इंक्लूड रेलवे क्रॉसिंग ग्रेड क्रॉसिंग रोड थ्रू रेल रोड एंड ट्रेन क्रॉसिंग द टाइप ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड एट लेवल क्रॉसिंग डिपेंड्स अपॉन क्या नेचर ऑफ रोड है कितना ट्रैफिक है उस रोड पे एंड क्या नंबर ऑफ ट्रेन पासिंग ओवर द लेवल क्रॉसिंग या आप देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ लेवल क्रॉसिंग नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना स्टेशन इक्विपमेंट्स अब ट्रेन की एफिशिएंट रनिंग सेफ्टी रिपेयरिंग क्लीनिंग और एग्जामिनिंग के लिए कुछ इक्विपमेंट्स और मशीनरीज की जरूरत आती है दीज इक्विपमेंट्स आर नोन एज स्टेशन इक्विपमेंट्स, जिसमें पहला आता है आपका इंजन शेड्स। रेलवे इंजन शेड्स आर प्रोवाइडेड एट टर्मिनल स्टेशन जंक्शन एंड अदर लोकेशन अराउंड द रेलवे They, provide, they provided covered accommodation for servicing locomotives. This could be a simple task such as changing brake blocks to more complex tasks that involve dismantling and repairing the engine. Type of engine sheds do type sakte hai, rectangular type and circular type. बेसिकली एक एक गैराज टाइप का होता है जहां पे कि आपकी ट्रेन को रखा जाता है एक कवर्ड अकोमिडेशन होती है जहां पे आपके सिंपल टास्क लाइक चेंजिंग ऑफ से लेके कॉम्प्लेक्स टास्क डिसमेंटलिंग और रिपेयरिंग द इंजन तक होता है ये दो टाइप्स के होते हैं आपके रेक्टेंगुलर शेप एंड सर्क्यूलर शेप रेक्टेंगुलर टाइप इंजन शेड इन दिस टाइप ऑफ इंजन शेड टू पैरल ट्रैक्स आर लीड विच मीट एट वन और बोथ दी एंड इंजन कैन कम फ्रॉम वन एंड एंड लीव द शेड इन अदर एंड दे नीड मोर स्पेस दे आर वाइडली यूज इन इंडिया आप ये देख सकते हैं ये आपका एक शेड है यह आपके सर्कुलर टाइप इंजन शेड है

वाटर क्रेन अ वाटर कॉलम इज बेसिकली अ डिवाइस यूज फॉर डिलीवरिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू टू टैंक ऑफ अ स्टीम इंजन दिस डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज वॉटर कॉलम एज अ स्टीम इंजन कंज्यूम लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वाटर क्रेन्स आर वाइटल पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन इक्विपमेंट ऑफन सिचुएटेड एट द्लेटफॉर्म हमने कई बार प्लेटफॉर्म में इस टाइप की चीज देखी होगी एंड में लगी हुई रहती है पानी की सप्लाई के लिए जो स्टीम इंजिन होती हैं उसमें इनका काम आता है

ये आपकी एशपिट्स होती हैं यहां पर आके आपकी ट्रेन रेस्ट करती है और यहां आपका एश कलेक्शन सिस्टम होता है टर्न टेबल अ टर्न टेबल इज अ डिवाइस यूज टू टर्न द रेल रोड रोलिंग स्टॉक दे आर ऑल्सो यूज टू टर्न ऑब्जर्वेशन सो दैट द विंडोड लॉन्च एंड फेस टूवर्ड्स द रियर ऑफ द ट्रेन A turntable is a large circular platform which is used to turn the locomotives and other rolling stock for railways. A well engineered turntable is designed in such a way that the efforts of only two or three people are needed to operate the turntable, even when dealing with the very large and heavy engines. The reason the turntable was developed was because early steam locomotives were somewhat difficult to run in reverse. As a result, the train company started building turntables so that they quickly turn their locomotives around. Engine का जो face turn करने के लिए जो use में लिया जाता है, वो कहलाता है आपका turntable. आप ये देख सकते हैं, ये आपका turntable है. ट्राएंगल्स नेक्स्ट इक्विपमेंट जो आता है वो क्या लाता है रेलवे इक्विपमेंट्स बाय परफॉर्मिंग द रेलवे डायरेक्शन वहीकल कैन बी स्वैप्ड अराउंड लिविंग इट फेसिंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट केम इट कंसिस्ट ऑफ थ्री शॉर्ट लेड इन फॉर्म ऑफ ट्राइंगल एंड कनेक्टेड टू ईच अदर बाय थ्री पेयर ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग टू ट्रैक्स आर लेड इन एंड थर्ड एज स्ट्रीट

हमने कई बार रेलवे लाइन्स जब एंड होती हैं तब हमने ये स्टॉप्स बहुत बार देखे होंगे ये जो इक्विपमेंट है या ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है आपका बफर स्टॉप बफर स्टॉप और अ बम्पर इज अ डिवाइस टू प्रिवेंट द रेलवे व्हीकल्स फ्रॉम गोइंग पास टू द एंड ऑफ अ फिजिकल सेक्शन ऑफ द ट्रैक द डिजाइन ऑफ द बफर स्टॉप इज डिपेंडेंट इन पार्ट अपॉन द काइंड ऑफ द रेलवे यूजेज It consists of a timber beam 13 to 13 centimeter section of the level of buffer on vehicles fixed to two vertical rail parts, bolted to the track rails on the other ends. Here is buffer stop. Fouling marks. इट्स पर्पस इज टू अवॉइड द साइड कोलिजन बिटवीन टू ट्रेन ऑन एडजेसेंट ट्रैक जब दो ट्रेन एडजेसेंट ट्रैक्स पर है तो उनके बीच में कोलिजन ना हो वहां पे आप ये फाउलिंग मार्क्स प्रोवाइड करते हैं इट इज शुड बी फिक्सड एट द पॉइंट द स्पेसिंग बिटवीन द ट्रैक बिगेन्स टू रिड्यूस टू लेस देन द मिनिम एड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल ऑफ डायमेंशन दे आर मेड अपॉ स्टोन और कॉन्क्रीट ब्लॉक्स एंड आर पेंटेड इन ब्लैक एंड व्हाइट ये देख सकते हैं आप ये आपके फाउलिंग मार्क्स हैं या आपकी एडजेसेंट ट्रेन्स चल रही हैं एडजेसेंट ट्रैक्स चल रहे हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस मार्क करने के लिए जाकि वो बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आ जाएं तो इसके लिए आपको फॉलिंग मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं एग्जामिनेशन पिट्स एग्जामिनेशन पिट्स आर सिमिलर टू एश पिट्स बट दे आर यूज्ड टू एग्जामिन द इंजन फ्रॉम अंडरनीथ

Traversers. Traversers are used to shift the position of the vehicles or locomotives sideways. They provide an arrangement of transferring engines and vehicles from one track to a parallel track. Transferers are preferred to turnouts, crossovers, etc. It consists of a platform mounted on rollers. Vehicles to be shifted is placed on the traverser and then the traverser is moved sideways and adjusted to the parallel track where the vehicle is to be placed. ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका ट्रेवर्सर कहलाता है जिसमें कि आपको अगर ट्रेन को पैररल उसके ऊपर इंजन को पैररल अगर कोई रेलवे ट्रैक चल रहा है और वहां पे आपको इसको मूव करना है तब आप इस ट्रेवर्सर की मदद से उसको मूव करते हैं डी स्विच डी रेलिंग स्वच इज एन ऑर्डनरी पॉइंट स्विच इट इज ओपन इन द नॉमल पोजीशन एंड इज प्रोवाइडेड नियर द डेड एंड ऑफ दी साइडिंग एनी व्हीकल पासिंग ओवर इट शैल बी डी रेल्ड बिकॉज ऑफ दी ब्रेक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ रेल्स ये देख सकते हैं आप ये आपका डी रेलिंग स्विच है

क्शन टू दैसेज ऑफ वहीकल्स एंड इट प्रिवेंट द्हकल बियॉन्ड दी साइडिंग जहां पर डेड एंड आ गया आपकी रेल्स का वहां पर इस वुड एन ब्लॉक को लगाया जाता है ताकि आपका जो व्हीकल है वो एस्केप या फिर व्हीकल्स उससे आगे ना चला जाए sand hump it is the method of checking the vehicle the rails in the dead-end siding after some fixed distance gets embedded in the tray sand and comes to rest wake bridge these are the level platforms with rails and are connected to the main track the beam rests on the knife edge and attached to the lever to which the loaded wagons come to the siding to wake bridges fixed लीवर मैकेनिज्म इज एक्टिवेटेड एंड द वेट इज इंडिकेटेड जब आपको रेलवे या इंजिन का वेट लेना होता है वहां पर आप विवेक ब्रिज लगाए जाते हैं या आप देख सकते हैं इसके ऊपर जब ये ट्रेन आएगी तब अपने आप वो लीवर एक्टिवेट होके आपका जो वेट है वो आपका दिख जाएगा उसका तो ये बात हुई थी अपनी स्टेशन एंड yatsuki thank you